नमस्ते प्रोग्रामर्स हम इस वीडियो में आज जीएसटी कैलकुलेटर बिलिंग कैलकुलेटर और टिप कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं आपने कहीं पे कोई चीज़ें परचेज की है जिसका अमाउंट सिंपली जो आपका बिल का अमाउंट है वो आपका टू है एंड उसके ऊपर जो आपके जीएसटी चार्ज है और टिप चार्ज है जो आप कह है सकते हैं वो आपका जो है ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट जो भी आप डिसाइड करें वो है आपका एंड देन आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है सो so, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने बिलिंग uh, कैलकुलेटर के थ्रू तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो सो so, सबसे पहले हमें अपने बिल को कैलकुलेट uh, करने के लिए हम अपने बिल को डिफ़ाइन करने के लिए हमें वेरिएबल्स को क्रिएट करना होगा तो सपोज़ यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है पब्लिक सो पब्लिक कभी पब्लिक यूज़ करते हैं और कभी हम सिंपली जो है वो प्राइवेट यूज़ करते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस क्या जो public है जो पब्लिक है पब्लिक वेरिएबल्स मतलब जो हम अपने यूज़र्स को शो करना चाहते हैं लाइक like, यहाँ पे जो हम अपने इंस्पेक्टर में शो करते हैं सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ आप दिखा देती हूँ सपोज यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँ पब्लिक जो बिल है आपका वो सिंपली नंबर है टू फिफ्टी सो हम यहाँ पे जो है इंटीजर ले रहे हैं सो पब्लिक इंड बिलवल टू टू फिफ्टी एंड देन सेमी कलन सपोज यहाँ पे आपको सिंपली सेव करना है इसे एंड यहाँ पे अपने आपको एडिटर में आना है एंड यहाँ पे कंसोल में आना है सपोज यहाँ पे हमने जो है हमने अपने क्यूब में जो है स्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया तो सिंपली आपको स्क्रिप्ट को ऐड करना है सिंपली आप इसे ड्रैग कर सकते हैं स्क्रिप्ट को अपने इंस्पेक्टर में सो so दैट आपका ऐड हो जाएगा और सिंपली आप यहाँ से इसे यहाँ इसे क्लिक कर सकते हैं एंड सिंपली ड्रैक कर सकते हैं अपने क्यूब में सो so ये आपका जो है हमें इसके स्क्रिप्ट में ही रखना है अपने सो so सिंपली इस तरीके से आप जो है अपने स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ सो so सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया जो यहाँ पे हमने एक बिल का क्रिएट किया है ऑप्शन पब्लिक इंटीजर बिल सो वो आपको यहाँ पे सिंपली शो हो रही है टू फिफ्टी तो ये होता है पब्लिक वेरिएबल क्रिएट करें उसका मतलब अगर इसे आप यहाँ पे प्राइवेट कर दें सो दैट प्राइवेट का यहाँ पे सिंपली मतलब हो जाता है वो सिंपली जो है आपके स्क्रिप्ट में वर्क करेगा वो आपके यूजर को शो नहीं होगा तो सिंपली यहाँ पे आपने प्राइवेट इंटीजर बिल ये दिया एंड सिंपली आप वापस आए अपने एडिटर में एंड जब यहाँ पे अब आप अगर प्रेस प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका बिलिंग स्क्रिप्ट है उसमें आपका बिल का कोई ऑप्शन नहीं है तो ये सिंपली जो है मतलब होता है आपका प्राइवेट और पब्लिक जो यहाँ पे आप फेयरेबल क्रिएट करते हैं सो so, यहाँ पे जो हमने पब्लिक सॉरी यहाँ पे हमें सिंपली से चेंज करना है पब्लिक में सो पब्लिक इंटीजर वैल्यू हमने 250 ले ली है एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है जो जीएसटी चार्ज है और जो टिप चार्ज है आपका सिंपली उसे है उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो सिंपली उसके लिए भी हम एक पब्लिक अब जो ये 20 परसेंट है उसकी वैल्यू आपकी पॉइंट में भी हो सकती है सिंपली नंबर हो सकता है तो वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है सो so इसलिए जो है हम यहाँ एक डेटा टाइप जो है आपका वो हम यहाँ पे फ्लोट लेंगे एंड देन यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे जो है जीएसटी जी चार्ज के नाम से लिख देंगे एंड देन इक्वल टू जो है वो आपका ट्वेंटी सपोज हम यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट डिफाइंड कर रहे हैं सो ट्वेंटी पॉइंट जीरो एफ सो सिंपली जो ये एफ है ये आपको डिनोट करता है कि जो आपका जो वैल्यू वेरिएबल है वो आपका फ्लोट टाइप है सिंपली सो so यहाँ पे आपको एफ लिखना ज़रूरी है एंड देन उसके बाद हमें टोटल अमाउंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो है आपको सिंपली यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक सिंपली टोटल अमाउंट एंड देन टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें जो है वो वेरीफाई करना है वो हमें फाइंड करना है तो सिंपली हमने यहाँ पे ये यह लिख दिया है एंड देन नाउ अब आपको क्या करना है सो so, दैट आपको वॉर्ड स्टार्ट में आना है वॉर्ड स्टार्ट के अंदर जो है हमें अब जो है टोटल अमाउंट को फाइंड करना है तो सिंपली पहले हमें क्या करना होगा हमें ये तो पता है कि बिल हमारा जो है वो कितना है बट जो जीएसटी चार्ज ट्वेंटी परसेंट है वो डिफाइंड नहीं है ट्वेंटी परसेंट की वैल्यू क्या है तो सो ट्वेंटी परसेंट को हमें डिफाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमें लिखना होगा सो so यहाँ पे हमने जीएसटी चार्ज जो है वो पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो जीएसटी चार्ज को अब हमें फाइंड करना है कि कितना है तो उसके लिए यहाँ हम सिंपली एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सो so, वो भी जो है हमारा फ्लोट टाइप होगा बिकॉज उसकी वैल्यू किसमें है उसकी वैल्यू जो है पॉइंट uh, डेसिमल्स में होगी या सिंपली एक नंबर होगा तो ये हमें पता नहीं इसलिए यूज करेंगे एंड देन अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी चार्ज अमाउंट सिंपली हम यहाँ पे लिख दें सो so, ये हमारा जो है जीएसटी चार्ज अमाउंट सिंपली हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंड देन इक्वल टू हमें क्या करना है हमें परसेंट को फाइंड करना है सो so, परसेंट को हम कैसे लिखते हैं तो सिंपली जो आपका वैल्यू uh, होता है सिंपली यहाँ पे हमारा बिल है तो सिंपली बिल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी uh, परसेंट है सो so, हम क्या कर देंगे जो आपका जीएसटी uh, चार्ज है डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो यहाँ पे हम लिख देंगे जीएसटी चार्ज एंड सिंपली जो है डिवाइडेड बाय सिंपली आपका वो हो जाएगा हंड्रेड एंड दैट्स ऑल आई गेस इसी तरह से हम फाइंड करते हैं बट यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे एक पैरेंथिस को यूज करना होगा सो दैट वो पहले डिवाइड करेगा एंड देन मल्टीप्लाई करेगा आपकी जो हो यहाँ पे जो वैल्यू है बिल से सो so इस तरह से हम जो है परसेंट को फाइंड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में ये एक तरीका है जो हमें फॉर्मूला पता है सो so नाउ अब हमें क्या करना है सिंपली जो, जो है आपका टोटल जो है अमाउंट हमें सिंपली इसे फाइंड करना है सो टोटल सिंपली टोटल अमाउंट इक्वल टू हमें क्या करना है जो हमारा बिल है सिंपली ये एंड प्लस जो आपका जीएसटी चार्ज अमाउंट आया है वो उसको जोड़ के जो है हमारा टोटल अमाउंट जो है वो बनेगा सो so, यहाँ पे हमने लिख दिया है एंड देन सो so नाउ इस तरह से अब हमें जो है टोटल अमाउंट जो है मिल जाएगा नाउ अब हमें इसे प्रिंट भी करना होगा सो so, उसके लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे हमें लिखना है यहाँ पे सिंपली दिबग डॉट लॉग एंड दे एंड नाउ स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे आपको हमें एक तो पूरा बिल चाहिए कि आपका इतना बिल हुआ जो चीजें खरीदी उसका वैल्यू ये है एंड देन जो जीएसटी चार्ज है वो ये है सो so नाउ टोटल बिल जो है आपका इतना बिल आपको जो पे करना है वो ये है सो so हमें एक बिल निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना होगा योर बिल इज एंड देन सिंपली नाउ यहाँ पे जो है हमें स्पेस देना होगा सो so दैट जो है वो आपकी बिल की प्राइस जो है वो प्रिंट हो सके एंड प्लस जो बिल है उसे हमें यहाँ पे लिखना होगा सो so दैट अब जो है यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट हो जाएगा योर बिल इज जो वैल्यू आपकी बिल की है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एंड नाव यहाँ पे दो तरीके हैं कि सिंपली आप डीपक डॉट लॉग एंड स्ट्रिक के अंदर जो आपको वैल्यूज प्रिंट करनी है जो मैसेज प्रिंट करना है उसे प्रिंट कर सकते हैं और सिंपली अब हमें क्या करना है हमें जीएसटी चार्ज को भी यहाँ पे प्रिंट uh, करना है अपने कंसोल में तो सिंपली आप इसे क्या कर सकते हैं सिंपली आप इसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं एंड नाव यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हैं एंड अपने मैसेज को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आपके दो तरीके हैं सिंपली आप लाइन बाय लाइन उसे जो है uh, अगेन दीपक डॉट लॉग लिख के अपनी जीएसटी चार्ज को देन फिर टोटल अमाउंट को प्रिंट कर सकते हैं और आप एक ही लाइन में तीनों को लिख के प्रिंट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे नाउ अब हमें क्या करना है हमने अपने बिल को यहाँ पे प्रिंट कर लिया है नाउ अब हमें क्या प्रिंट करना है हमें प्रिंट करना है अपने जीएसटी चार्ज को सो so, सिंपली हम अगेन स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखेंगे नाउ श्योर जीएसटी चार्ज इज अगेन स्ट्रिंग स्पेस एंड देन स्ट्रिंग एंड अगेन प्लस ये जो है आपका रिलेट करेगा किससे आपके जीएसटी चार्ज से सो सिंपली आपको अगेन यहाँ पे लिखना है जीएसटी चार्ज अमाउंट सो दैट ये आपका रिलेट करेगा जीएसटी चार्ज से एंड देन नाउ अगेन जो है हमें स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली श्योर टोटल श्योर टोटल अमाउंट इंपली कलम स्पेस अगेन स्ट्रिंग एंड नाउ अगेन यहाँ पे हमें प्लस एंड देन ये आपका किससे रिलेट करेगा ये हमारा जो है रिलेट करेगा हमारे टोटल अमाउंट से सो टोटल अमाउंट मेक श्योर दैट जो यहाँ पे है आपका वही यहाँ पे भी होना चाहिए सो देर इज अ कैपिटल ए सो नाउ टोटल अमाउंट जो है आपका सिंपली नाउ आपका सेमिकोलन नाउ जो है यहाँ पे हमने सिंपली एक कैलकुलेटर जो है अपने बिलिंग कैलकुलेटर वो क्रिएट कर लिया है नाउ जब आप इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे यूनिटी एडिटर में जाना है वी हैव अ एरर इंटरफेस मेंबर डिक्लेरेशन सो ओके okay, तो यहाँ पे गाइस जो है देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे जीएसटी पे सो so यहाँ पे आपको जो है तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये एक ट्रिक है पता करने की जो आपने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किया है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं सो यहाँ पे हमारा जीएसटी जो है वो ठीक है बिल जो है वो ठीक है बट आप जब टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है रिलेट नहीं कर पाएगा जहाँ पे आपने टोटल अमाउंट यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे जो है हमने अपने टोटल uh, अमाउंट को जो है डेटा टाइप जो है वो ऐड नहीं किया है तो हमें सिंपली यहाँ पे फ्लोट जो है वो ऐड करना होगा सो so, नाउ अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल अमाउंट पे तो ये सिंपली आपको जो है रिलेट कर देगा नाउ आपको कंट्रोल एस करना है एंड अगेन जो है यूनिटी एडिटर में आना है एंड यहाँ पे आपको कंसोल में जाना है सो so नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे एरर uh, था वो गायब हो गया है सो so नाउ यहाँ पे सिंपली हमें जो बिल है वो आपका ढाई सौ वो टू uh, फिफ्टी और ढाई सौ जो भी आप कह सकते हैं तो आपका ढाई सौ जो, जो जीएसटी चार्ज है वो आपका जो है ट्वेंटी है ट्वेंटी परसेंट जो है एंड देन टोटल अमाउंट जो है वो आपको कितना पे करना है वो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस प्ले करेंगे सो so, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं योर बिल इज टू फिफ्टी योर जी एस टी अमाउंट इज ट्वेंटी एंड योर टोटल अमाउंट इज थ्री हंड्रेड सो थी सिंपली जो आपका टोटल अमाउंट है वो जो है थ्री हंड्रेड है जो आपको पे करना है सो so सिंपली हमने यहाँ पे जो है बिलिंग जो कैलकुलेटर है वो हमने क्रिएट कर लिया है शीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके छोटा सा कोड लिख के सो so ये एक तरीका है कि कैसे आप बिलिंग कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं इसे टिप कैलकुलेटर भी कह सकते हैं सो सिम्पली आपको टिप कैल्कुलेटर क्रिएट करने के लिए जहां पे हमने जी एस चार्ज लिखा है वहाँ पे आप टिप चार्ज भी कर सकते हैं सो so, यहाँ पे वैल्यूज को आप सिंपली अपने, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको करना है आप अपने बिल का जो वैल्यू है टू फिफ्टी उसे चेंज कर सकते हैं सो so, ये सब तरीके हैं कि कैसे आप अपने कैलकुलेटर को क्रिएट कर सकते हैं सो आई होप गाइस आपको ये सिंपली समझ में आ गया होगा कि कैसे आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं वैल्यूज को देते हैं एंड कैसे आप मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं एक ही लाइन में सो so, ये चीज़े so, सारी चीज़ें हैं गाइज सो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में